हेलो एंड वेलकम टू दीप माला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, आपके लिए है एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारी और बहुत ही खुशी की खबर। सिद्धार्थ शुक्ला ने खुद बताया हिना खान से कन्वर्सेशन के दौरान कि शहनाज गिल घर में आने वाली हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वाकई में हम बहुत खोजबीन करके आपके लिए लेकर आ रहे हैं अंदर की खबरें। 24/7 भी हम आपके लिए देख रहे हैं, हम अनसीन भी देख रहे हैं, हम जो एपिसोड उसका रिव्यू भी ला रहे हैं, हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपका नुकसान होने वाला है। तो चलिए आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा, कब, कैसे कहा। सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान दोनों बेड पर लेटे होते हैं। हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला बात कर रहे होते हैं और कन्वर्सेशन के दौरान हिना खान जो है सिद्धार्थ शुक्ला को कहती हैं कि यार जो शहनाज गिल है बहुत सीधी है, बहुत सिंपल है और जो है उसमें चालाकी नहीं है। तो इस पर सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं वो तो है। इस पर सिद्धार्थ शुक्ला इतना जवाब देते हैं। फिर उसके बाद हिना खान कहती है वो भी तो आने वाली है ना, वो भी नाम नहीं लेती हैं लेकिन कहती हैं वो भी तो आने वाली है ना, तो वो भी शहनाज गिल की ही यहाँ बात चल रही थी, शहनाज गिल पे ही सिद्धार्थ शुक्ला एग्री करते हैं और वो भी यहाँ शहनाज ही है क्योंकि शहनाज की ही इससे पहले बात हुई। तो सिद्धार्थ शुक्ला इस पर कहते हैं हाँ, दो तीन वीक के सेकेंड या थर्ड स्लॉट में, ये कहते हैं वो सेकेंड या थर्ड स्लॉट में मीन्स ये जो नेक्स्ट बार जो लोग आ रहे हैं, जो गेस्ट आएंगे उसमें या उसके बाद वाले गेस्ट में। फिर इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं रुककर कि दो वीक बाद ये कहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला। इसका मतलब कि आफ्टर 14 डेज जो है शहनाज गिल आ रही हैं। हो सकता है उनके पहले कोई और गेस्ट आएँ, उसके बाद शहनाज गिल आएँ, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को पता है, कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने साइन हुआ होगा, चीज़ें हुई होंगी। अब ये मत कहिएगा भाई कि शहनाज ने लाइव में नहीं बताया, शहनाज ने लाइव में क्लियरली मना किया। जब वो जो है कैप्चर हुई आज वायरल भयानी को, तब भी उन्होंने मना किया। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। आपने जैस्मीन भसीन, एजाज़ खान और तमाम और लोगों के, पवित्र पुनिया, सभी के वीडियोज़ देखे अगले दिन रिलीज़ हुए, जैसे ही वो बिग बॉस हाउस का जो वीडियो है प्रीमियर जो रिलीज़ हुआ उसके बाद कि सॉरी और हमने आपसे झूठ कहा, आपकी भावनाएं हर्ट हुई होंगी, हर्ट मत होइएगा और हम बिग बॉस में आ गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि हम कह नहीं सकते। आपको इतनी बारीकी से एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी बात में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। और भाई सिद्धार्थ शुक्ला को बिल्कुल भी ब्लेम मत कीजिए, बेचारा सीधा साधा सिंपल बंदा है, अपना काम करने गया है। काम के उन्होंने मेकर्स से पैसे लिए हैं, अच्छी खासी बड़ी रकम ली है। अब जब कोई काम करते हैं तो उसको काम को काम की तरह से करते हैं। जब डेली सोप में जाते हैं तो ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं 10 साल की बिटिया का पापा नहीं बनूंगा या मैं शादी नहीं करूँगा। तो इसी तरह से ये भी एक शो है और जो बिग बॉस कहेंगे वैसा टास्क होंगे। अब ये बिग बॉस की गलती है कि वो अपने नए कंटेस्टेंट को हाईलाइट ना करके एक बार फिर सिद्धार्थ शुक्ला को कर रहे हैं। खैर, उनका भी ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से शो चल रहा है। तो सिद्धार्थ के लिए ये जो भी आपके मन में ग्रज है मत रखिए। सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल के लिए बहुत 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 ज़्यादा लॉयल हैं। जितना आपको शहनाज का ख्याल है उससे 5% ज़्यादा सिद्धार्थ शुक्ला को भी शहनाज का ख्याल है। तो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। शहनाज गिल आपको फॉर श्योर बिग बॉस में नज़र आने वाली हैं। हमने आपको अपने सोर्सेज के हवाले से पहले ही बता दिया था, लेकिन अब सिद्धार्थ शुक्ला ने खुद भी कन्फर्म कर दिया है। वेल, आपको ये खबर पसंद आई हो, हमारे एफर्ट्स पसंद आए हों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बारीकी से आपके लिए हर एक खबर ला सकें। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।